जोया कैसी है? अपसेट है, मगर पहले से बेहतर है। फारिस, आई थिंक थिंग्स आर टर्निंग आउट टू बी इन योर फेवर। पता नहीं माँ, मगर मैं जोया को यूं दुखी नहीं देख सकता। बेटे, वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, मगर तुम ये शुक्र करो कि उस लड़की की असलियत का वक्त पे पता चल गया। या। बेटे, जिंदगी इसी का नाम है। तुम उसे वक्त और तवज्जो दोगे, वो तुम्हारी मोहब्बत महसूस करेगी, ठीक हो जाएगी। मोहब्बत हर जख्म को भर देती है, समझे? शायद आप सही कह रही हैं। बस तुम्हारे बाबा थोड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत बड़े ख्वाब देख रखे हैं, और एक मिडिल क्लास लड़की के लिए वो राजी नहीं होंगे। पहले जोया को राजी कर लूं, फिर बाबा को भी राजी कर लूं। चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? आपकी बहू से मिलने। बाय बाय। ओके, बाय। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? कैसी हैं आप? बेहतर है। दवा आप टाइम पे ले रही हैं? नहीं, दवा तो खा रही है लेकिन खाना नहीं खा रही। ये तो बहुत गलत बात है। अगर आप डाइट नहीं लेंगी, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगी, तो फिर कैसे ठीक होंगी आप? मेरा दिल नहीं चाहता। अब हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसके पसंदीदा लोग की मनचाही चीजें उसका साथ छोड़ जाती है। ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ में दिल ना लगे, कुछ करने का दिल ना करे, हालात आपके खिलाफ हो जाते हैं। जब ऐसा वक्त आए तो इंसान को हौसले से काम लेना चाहिए, आंसुओं से नहीं। मैं भी यही सोचती थी, लेकिन मुझे मालूम हो गया है इंसान बहुत कमजोर होता है। जिंदगी जाया करने का नाम नहीं है, गिर कर फिर उठने का नाम है, हार कर फिर जीने का नाम है। किसी को खो कर किसी को पाने का नाम है। बहुत खूबसूरत तोता है अल्लाह ताला, इसे बोझ समझ के नहीं बल्कि नेमत समझ के गुजारना चाहिए। और
और मेरा ख्याल है कि अब आपको जिंदगी की तरफ वापस आना चाहिए। बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई। वो वाला ड्रेस तुम जरूर लेना। तुम पे बहुत सूट करेगा। ठीक है मम्मी। मैंने कहा था ना कि दानियाल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। मुझे तो पूरा यकीन था कि दानियाल मेरी तरफ ही पलटेगा। वैसे भी जोया में रखा है क्या? नाम न लो उस जुड़ेल का। बस तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर न लगे। मेरी खुशियों को किसी की भी नजर नहीं लग सकती। और वैसे भी शादी के बाद दानियाल पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। मैं अपनी जिंदगी में किसी को भी इंटरफेयर होने नहीं दूंगी, ना तो उसकी माँ को, ना बाप को, और ना ही उसके खानदान को, किसी को भी नहीं। खैर छोड़ इन बातों को, बहुत थक गए। प्लीज चाय बनवाते हैं, अच्छी से चाय पीते हैं, जब तक जाके मैं फ्रेश होती हूँ। सब तो ठीक है बेटा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम अपसेट सी नजर आ रही हो। पापा, फारिस मुझे बहुत इग्नोर करने लग गया है और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या तुम्हारी फारिस से कोई लड़ाई हुई है? नहीं। पापा, आप मेरी शादी करना चाहते हैं? हाँ बेटा, लड़कियों की इसी उम्र में शादी होती है। मगर मैं फारिस को पसंद करती हूँ और उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। और फारिस की क्या राय है तुम्हारे बारे में? पापा, फारिस एक बहुत ही सिंपल लड़का है। उसे एक मिडिल क्लास गरीब चलाक लड़की ने ट्रैप कर लिया है। उसे उस लड़की के अलावा कोई नजर ही नहीं आता और वो लड़की सिर्फ फारिस की दौलत के पीछे है। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं सोचता हूं कि किया क्या जाए। आप ही इस मसले का हल निकाल सकते हैं। डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। I hope so. ये तुमने बहुत अच्छा किया। अरे जब जब उसकी तस्वीर देखती थी ना, मेरे दिल पर आरे चलते थे आरे। अच्छा हुआ उसकी सारी चीजें हटा दी यहां से मनुष्य की। अरे अब मेरे दिल को सुकून मिलेगा।
जब रिश्ता ही खत्म हो गया तो सब चीजों को अपने पास रखने का कोई फायदा नहीं। हाँ बेटा, और अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें जल्दी अकल आ गई और इस मनुष्य डायन से पीछा छूट गया। मैंने भी दिन रात दुआएं मांगी कि उस डायन से तुम्हारा पीछा छूट जाए। अरे दुश्मनों की तरह अकेले लड़ी उससे मैं। अब तो आप खुश है ना? अब हाँ हाँ, खुशी की क्या बात होगी। बस बहरा तुम शाम को ना तैयार रहना, हम दोनों शॉपिंग पे जाएंगे। ओके। अब हाँ ठीक है, मैं भी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। बस इंसानों में कमजोरियां होती हैं, उन्हें वही चीज बदलती है जिनकी उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कुछ इंसानों को मोहब्बत की जरूरत होती है, उन्हें मोहब्बत बदलती है। कुछ लोगों को दौलत की जरूरत होती है, उन्हें दौलत बदलती है। तो अब आप फिलोसफर भी बन गए? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल फिलोसफर नहीं हूँ। ये एक हकीकत का फलसफा है जो हम सब पे अप्लाई करते हैं। लेकिन दानियाल के लिए दौलत कभी इम्पोर्टेंट नहीं थी। श्योर दौलत हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होती है, और जिसके पास नहीं होती उसकी जिंदगी का मकसद बन जाती है। मुझे पता क्यों नहीं चला वो कब और कैसे बदल गया। कुछ लोग मौसम की तरह होते हैं, उनके बदलने का पता ही नहीं चलता। लेकिन जब वो बदल जाएं, तो आपको भी अपना रवैया उनके साथ बिल्कुल बदल लेना चाहिए। मेरे दिल पर मेरा इख्तियार नहीं है। आपका तो अपने मुकद्दर पर भी इख्तियार नहीं है। ये बात आपको तस्लीम कर लेनी चाहिए। चलता हूँ। आप रोज क्यों आ जाते हैं? आपने क्यों दिया है मेरा इतना साथ? किसी को दुख और तकलीफ में नहीं देख सकता ना, इसीलिए। खैर जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं आता रहूं। दानियाल ने मेरी सारी चीजें लौटा दी। हे तोहफे, मेरे खत, मेरी नज़में। ज़ोया, उस इंसान की कोई अहमियत नहीं है। उसको डिस्कस करना सिर्फ वक्त का ज़िया है। मत करें प्लीज। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, गिर कर फिर उठने का नाम है। हाल और मुस्तकबिल का नाम है, माजी का नहीं। यादें सिर्फ माजी का हिस्सा होती हैं, जिंदगी नहीं होती। बेटा पारस आया था क्या? जी अम्मी, ज़ोया आज बहुत परेशान थी। जब से दानियाल ने उसके लेटर्स और कार्ड वापस किए हैं तब से तो वो बहुत ही खोई खोई रहने लगी है। हाँ बेटा, कुछ लोगों को तकलीफ देने की आदत सी हो जाती है। सही कहती हूँ। वैसे बेटा पारस अच्छा लड़का है, बहुत नेक लड़का है। उसे देख के ना मुझे एक ख्याल सा आता है। क्या? तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, हमारी ज़ोया के लिए बिल्कुल फारस जैसा ही लड़का चाहिए। अम्मी आप भी क्या वही सोच रही हैं जो मैं सोचती हूँ?
अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो ना। हाँ लेकिन फारस तो बहुत अमीर घर का लड़का है ना, उसके घर वाले तो उसकी शादी किसी अमीर घर में ही करना चाहेंगे। नहीं अम्मी, हर इंसान ऐसी सोच नहीं रखता। जितना मैं फारिस को जानती हूँ, जितना मैंने उसको जोया के साथ देखा है ना, उससे साफ जाहिर होता है वो वाकई जोया को पसंद करता है। वरना आजकल के लड़के इतना किसी का ख्याल कहाँ रखते हैं। तान्याल भी तो जोया को बहुत पसंद करता था। तान्याल पसंद करता था, ये करता है, था और है में बहुत फर्क होता है अम्मी। अरे बेटा, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, बहुत मगरूर होते हैं। गरीबों से हमदर्दियां करना तो जानते हैं, उनके साथ रिश्ते नहीं करते। नहीं अम्मी, अमीर लोगों में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, अल्लाह बेहतर जानता है। थक गई मैं तो सच्ची। अरे आप ना, मजा आया ना शॉपिंग करने में, तो ढेर सारी चीजें खरीद ली भाई, देखे तो क्यों? जिंदगी में पहली दफा बाजार गई थी। कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया करें आप, हमेशा चली कटी करते रहते। अरे बेटे की माँ हूं मैं, बारात लेकर जाऊंगी तो क्या शॉपिंग नहीं करूंगी? प्लीज अब खुशी के मौके पर ऐसी बातें नहीं करें। ये सारी शॉपिंग महरीन की अम्मी ने करवाई, बहुत बड़ा दिल है उनका। बड़ा दिल है या बड़ा पर्स? दानियाल तुम्हारी आवाज बदल गई, तुम्हारा लहजा बदल गया, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारे अल्फाज सब बदल गए। अरे उसकी किस्मत भी बदल गई है, ये नहीं देख रहे क्या आप? अबू प्लीज, हर किसी को हक होता है अच्छी जिंदगी गुजारने का, और मैंने जो फैसला किया है मुझे मुनासिब लगा। ये ब्रांडेड जूते, ये ब्रांडेड घड़ी, ये सूट, ये परफ्यूम और कफलिंग, पहले आप ये तो देख लें फिर बात कीजिएगा। हाँ सब अच्छे। और सुने, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है उनकी शादी में दुश्मन नहीं आएंगे, और दुश्मन का मतलब तो आप समझते हैं अच्छी तरह से, आपकी बहन और उनकी बेटियां। पारस बेटा, जितना कुछ तुमने हमारे लिए किया है इतना तो कोई अपना भी नहीं करता। आंटी क्यों शर्मिंदा कर रही है मुझे ऐसी बातें करके? नहीं पारस अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, हम लोगों को ना आदत तक लोग ही बहुत सेल्फिश किस्म के मिले, अब इंसान कहे भी तो क्या। बेटा कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कहने को तो कुछ भी नहीं होते, लेकिन अपने अच्छेपन से बहुत से रिश्ते बना लेते हैं। चलो
आंटी ने तो मुझे हीरो बना दिया। आंटी कोई ऐसा भी नेक दिल इंसान नहीं हूँ मैं, तो सिर्फ जोया की खैरियत मालूम करनी है। मैं ठीक हूँ, आप लोग कब तक परेशान रहेंगे मेरी वजह से? शुक्र है ये कुछ बोली तो सही। और अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि एग्जाम्स की अच्छी तैयारी कर सकें। इंशाल्लाह। ले आंटी मुझे इजाजत। जी जी प्लीज। ओके सोया अल्लाह हाफिज। जीते रहो बेटा अल्लाह हाफिज। चाय लोगी बेटा? नहीं। सोया की सहेलियां चली गई? जी अम्मी चली गई हैं वो। बड़ी अच्छी थी, बहुत इखलास है। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आखरों? वो मेरी दोस्त है ना सोनिया, जो मेरे ऑफिस में काम करती है। आपसे बात करने आना चाहती है अपने भाई के रिश्ते के लिए। रिश्ता? अच्छा, लड़का क्या करता है? बैंक में जॉब करता है। अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, सोनिया को तो आप जानती हैं, अच्छे खानदानी लोग हैं। हाँ लोग तो बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे करो फोन करके बुला लो, मैं कुछ तैयारी कर लूंगी। नहीं नहीं अम्मी अभी वो सिर्फ आपसे बात करने आना चाह रही है। अरे तुम क्या हुआ, पहली मतलब आ रहे हैं हमारे घर, मैं अच्छे से सब कुछ तैयार कर लूंगी। ठीक है ये काम बाद में करूंगी, तुम ना फोन करके बुलाओ। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कहाँ होते हो आजकल? यार बस कुछ काम है कॉलेज के। नॉर क्या काम? कॉलेज के ही ऑफ कोर्स। एनीवेज तुम बताओ वो एग्जीबिशन कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छी। गुड, थैंक यू। क्या हुआ अब, यू ओके? या वो डैड चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है ये बात जान के? तानिया वो खुशी की बात पे खुश ही होऊंगा ना, मैं किसी और को पसंद करती। ओ मुझे बताओ शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। किससे? तुम्हें। बड़ी बात रहेगा, छुपा लिया आपने मुझसे। छुपाई नहीं है, पता ही नहीं चला सब कुछ तो इतना जल्दी हुआ है। अभी तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, अब बीमारी का कोई बहाना नहीं चलेगा, तुमने मेरे साथ हेल्प करना है। ओके हाँ अब तो मैं बिल्कुल बीमार नहीं। वेरी गुड, चलो ये वहां लगाओ। छुपा लिया अभी, क्या बात है।
सानिया भी है। क्या कह रही हो यार? तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। तुम्हें पता है I'm straight forward। लड़कियों को खैर इतना straight forward भी नहीं होना चाहिए। तुम कितने conservative हो? तानिया, हमारी सोसाइटी में मर्द जितना भी पढ़ लिख जाए कुछ मामलों में कंजर्वेटिव ही होते हैं और होना भी चाहिए। अगर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? God. तानिया, हम दोस्त हैं, कजिन्स हैं और इससे ज्यादा हमारे दरमियान कुछ नहीं हो सकता। क्यों? हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि रिश्ते और जज्बात जबरदस्ती डेवलप नहीं किए जा सकते। और मैं वैसे भी किसी को पसंद करता हूँ। कौन है वो? कोई भी हो यार। Let me guess, ये वही लड़की है ना? That girl from your college? Zoya something? Wow, Faris. एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की तुम्हारी आइडियल है। आइडियल कभी भी मामूली नहीं हुआ करते तानिया। माशाल्लाह, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। सोनिया हमेशा इसकी तारीफ करती रहती है। अम्मी, मैंने पहले ही कहा था ना कि शहवार बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। भाई मेरी बेटी ने तो कह दिया है, अगर कोई लड़की हमारी भाभी बनेगी तो वो सिर्फ दुर्रे शहवार ही होगी। ये तो आप लोगों का बड़ा पन है। आप लोग कुछ लेना? बस हमने बहुत कुछ ले लिया। थैंक यू। आप किसी दिन हमारे घर का चक्कर लगाए ना। जी जी जरूर। मेरा बेटा बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर है, बस हमारे घर को एक दर्रा शहवार जैसी लड़की की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि इसी महीने की आप कोई तारीख हमें दे दें। जैसे आप लोगों की मर्जी। आप ले लें, बिस्कुट तो लेना। थैंक यू। जी थैंक यू बेटा। शुक्र है तुम कॉलेज तो आई। कॉलेज तो मुझे आना ही था। ये हुई ना बात। भाई मेरा ख्याल है कुछ बांटना चाहिए। नहीं, आप भी कुछ बांटें। अच्छा तो चलो मैं कर देता हूँ। इसमें ऐसा क्या है? डन हो गया। नेकी और पूछ पूछ। एक्सक्यूज मी, ये ऑफर सिर्फ आज ही के लिए। चलो चलो कैंटीन चलते हैं। मैम एक सेकेंड, आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू। This is it. क्या है? ये नोट्स हैं। तुमने क्लासेस मिस की हैं तो एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो खासी मेहनत कर डाली। हाँ मेहनत तो की है, लेकिन अब
आपको मेहनत करनी है। वो आपी का रिश्ता तय हो गया तो घर में काफी अच्छा माहौल है। गुड, वेरी गुड। बल्कि उनको मेरी तरफ से भी बहुत मुबारकबाद दीजिएगा। जी जरूर। चले अरे बहुत मुबारक हो बहन, मुझे तो दुल्हन शहवार का रिश्ता तय होने की इतनी खुशी है कि क्या बताऊं। बस अल्लाह ने बहुत करम किया। अरे बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। मैंने तो बड़ी कोशिश की कि दुल्हन शहवार का कहीं अच्छी जगह रिश्ता तय हो जाए, मगर उसका नसीब ही यहाँ लिखा हुआ था। हाँ बात तो सारी नसीबों की होती है। मैंने सारे मोहल्ले में मिठाई बांट दी है, ये सब तुम्हारे लिए है, और खाओ ना। अरे मुझे तो जैसे ही इत्तला मिली मैं तो फौरन ही दौड़ी चली आई हूँ। अच्छा तुम खाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। पता नहीं दानियाल का फोन क्यों नहीं आया, और जब मैं फोन कर रही हूँ तो उसका फोन बंद आ रहा है। मसरूफ होगा ससुराल में, कोई फंक्शन होगा। बड़े लोगों की बड़ी बात है। लेकिन फिर भी उसे हमें एक फोन तो करना चाहिए था। जरा सा भी ख्याल नहीं है दानियाल को अपने माँ बाप का। लगता है तुम्हारी बहू शादी के बाद तुम्हें भी भूल। अब ये तंज करने का कौन सा मौका है? तंज नहीं कर रहा हूं मैं, हकीकत बयान कर रहा हूं। और वैसे भी हमें अब दानियाल से ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं रखनी चाहिए। अब वो शादीशुदा है, अपनी जिंदगी है उसकी। एक बेटे की शादी क्या की, पूरा घर ही सुनसान हो गया। बेटे और बहू को इतना तो ख्याल करना चाहिए था कि हमें आकर देख ही ले। ये तो होना था, होना था ही ये। अब तुम वो जो कीमती और दिलकश जहेज है ना, उसको देख के खुश होती रहो। सोया, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, आप ही बस कुछ पुरानी चीजें देख रही थी। दानियाल की शादी हो गई है, अब ना तो उसकी दी हुई चीज देखने की जरूरत है और ना उसकी याद में रहने की जरूरत है। चलो शाबाश, उठो यहाँ से। बस देख रही हूँ, इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है मेरे। सोया, जो मैंने कहा वो समझ में आई कि नहीं? अगर इन चीजों की अहमियत नहीं है तो नहीं। चलो लाइट ऑफ करो और बाहर आओ शावर। और ये नज़मे आप ही? बाहर नहीं जाएं ये नज़मे, ये चीजें ना कूड़े कचरे वाले को सुबह देना। चलो उठो, लाइट ऑफ करो और बाहर आओ। अरे आइए। सलाम। वालेकुम सलाम।
ये मैं जोया के लिए नोट लाया था। बाय द वे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। नहीं नहीं थैंक यू कौन सी बात है, ये बस नोट्स दे दीजिएगा मैं चलता हूँ। जी नहीं आप प्लीज आए उससे मिलकर जाएं। जोया से? जी आइए प्लीज आइए। जी कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी? जी ठीक। और कैसी चल रही एग्जाम्स की तैयारी? ठीक। और जिंदगी? वो भी ठीक जा। और आपने इस दफा कोई गिला शिकवा नहीं। मैं समझ गई, शिकवे करने से कुछ नहीं मिलता। ये चीज बिल्कुल यही सोच होनी चाहिए। पारिस में कुछ नहीं कर पाती अगर अगर आप मेरा साथ ना देते। मैंने तो आपका साथ देना ही था। क्यों? कितनी बार तो बता चुका हूँ। लेकिन आपने सच कभी नहीं बताया मुझे। कौन सा सच जानना चाहती हैं आप? वो सच जो सच है। बीत जाए।